चौतरफा महंगाई से आम लोगों का बुरा हाल है। हर चीज के दाम में इजाफा देखने को मिल रहा है। खाने पीने की महंगी वस्तुओं की लिस्ट में अब जीरा भी शामिल हो चुका है, लेकिन इसकी कीमत में पिछले एक साल में 72% से ज्यादा की तेजी आई है और ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसकी मुख्य वजह देश में जीरे की पैदावार कम है, साथ ही किसान अब जीरे के बजाय ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों का रुख कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि भारत में जीरे का कम उत्पादन होने से दुनिया भर में इसकी कीमत में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। भारत दुनिया में जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। जानकारों की माने तो आने वाले समय में जीरे की कीमत रिकॉर्ड स्तर 26,000 के स्तर को पार कर सकती है। आंकड़ों की माने तो इस साल जीरे के बुआई के आंकड़े आए जो सामने हैं वो काफी कम है। वहीं बारिश से भी फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जीरे की कीमत 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है। मौजूदा फसल सत्र में जीरे की कीमतों में 10 से 15% की बढ़त देखने को मिल सकती है। किसानों के द्वारा दूसरी फसलों की बुआई से जीरे की फसल का क्षेत्र पहले से ही घट गया था। बारिश से सप्लाई और घटने की आशंका बन गई है। जानकारों का कहना है कि बुआई का रकबा कम होने से और अधिक वर्षा के कारण फसल को नुकसान होने से जीरे की कीमतें फसल सत्र में 10 से 15% तक बढ़कर 5 साल के उच्चतम स्तर तक जा सकती हैं। मिली जानकारी के मुताबिक उपज होने कम होने से जीरे के भाव वायदा में 26,000 रुपए के स्तर को पार कर सकते हैं, जो फिलहाल में 25,000 पर कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जीरे का उत्पादन कम रहने की आशंका बताई जा रही है, जिससे जीरे की कीमतें 5 साल के उच्चतम पर पहुंच सकती हैं। खबरों की माने तो जीरे का रकबा भी साल दर साल अनुमानित रूप से 21% से घटकर 9.83 लाख हेक्टेयर रह गया है, जो दो प्रमुख जीरा उत्पादक राज्यों में से गुजरात में इसकी खेती के रकबे में 22% तो राजस्थान में 20% की गिरावट आई है। गुजरात में प्रति हेक्टेयर औसत 800 से 900 किलो जीरे का उत्पादन होता है, जबकि राजस्थान में 430 से 450 प्रति हेक्टेयर औसत जीरे का उत्पादन होता है। परिणामस्वरूप जीरे की खेती करने वाले किसान गुजरात की तुलना में उत्पादन लेने में पिछड़ रहे हैं। देश में 42% जीरे की आवक गुजरात की ऊंझा मंडी में होती है। इस मंडी में मार्च में आवक में पिछले साल के मुकाबले 60% की गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि अप्रैल के बीच मंडी में जीरे की आवक अच्छी खासी देखने को मिली और 38% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसकी वजह तो लो बेस है। पिछले साल कोरोना महामारी के बीच अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में जहां जीरे की कोई आवक नहीं हुई थी, दुनिया में जीरे के कुल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 70% है। साथ ही भारत जीरे का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत अपने उत्पादन का 30 से 35% निर्यात भी करता है, लेकिन हाल फिलहाल में जीरे के उत्पादन को देखते हुए जानकारों का अनुमान है कि जीरे की कीमतें मौजूदा स्तर से 10 से 15% तक ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।